अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं निदास किचन। आज मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। आज हम बनाना सीखेंगे दाल करेले। उसके लिए जो इंग्रीडियंट्स चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। आधा किलो के करीब मैंने करेले लिए, उनको काट लिया। काटने के बाद मैंने उनको नमक लगा के रख दिया। नमक लगाने के बाद 15-20 मिनट के बाद इनको चिल पानी से, बिल्कुल ठंडे पानी से मैंने इनको धो लिया। इसके अलावा एक चम्मच हमें अनारदाना चाहिए होगा साबुत, एक चम्मच साबुत धनिया, इसके अलावा दो ग्रीन चिली ली मैंने, उसको काट ली मैंने। एक अदद प्याज लिया, उसको मैंने काट लिया। एक अदद टमाटर लिया, उसको मैंने काट लिया छोटे पीसेस में। इसके अलावा हमें मसाला जात में चाहिए होगा एक चम्मच नमक, हाफ चम्मच के करीब हल्दी, एक चम्मच भर के हम लेंगे रेड चिली लेंगे। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा ये एक चम्मच मैंने ली है, ज़्यादा भर के नहीं लिया, नॉर्मल साइज़ में एक चम्मच लिया है कूटी हुई लाल मिर्च। हमने एक पैन लिया, उसमें हमने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हमने इसके अंदर करेले ऐड कर दिए और इसको तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक इसको कलर नहीं आ जाता। जी तो आप देख सकते हैं करेलों में तकरीबन कलर आ गया है। अब हम एक पेस्ट्री लेंगे जिसमें आप करेले बनाते हैं या सब्जी वगैरह बनाते हैं, उसमें हम ऑयल डालेंगे। अब हम इसके अंदर 1.5 पाव के करीब दाल लेंगे। दाल चनों की ली है मैंने सिंपल, और इसको मैंने भिगो के रख दिया पहले आधा घंटे के लिए, उसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया। ये बॉयल दाल है, बॉयल दाल हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसके अंदर करेले ऐड करेंगे। करेले ऐड करने के बाद अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ग्रीन चिली हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसके अंदर तमाम मसाला जात ऐड करेंगे, लाल मिर्च, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और जो है नमक वगैरह, थोड़ी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे, अनारदाना ऐड करेंगे अब हम इसके अंदर। अब हम इसके अंदर साबुत धनिया ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको हल्की आंच पर जो है लो फ्लेम पर अब हम इसको रख देंगे 20-25 मिनट के लिए कवर करके। जी तो 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा दाल करेले जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर देंगे। तो हमने डिश आउट कर लिया है। ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आप तक अपनी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती रहूं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।